गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जेसी सारंग के साथ करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं और उनका एनालिसिस, उनका विश्लेषण। और आईक्यू हमारा जो चैनल है, और आईक्यू नाम के इस चैनल से आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स का सत्र है वो देखने को मिलेगा। समसामयिक घटना जिसमें हम न्यूज़पेपर्स, जो हिंदी और इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स के वर्जन्स हैं, वहाँ से न्यूज़ निकाल के उसका एनालिसिस करते हैं, और उसके जो उसके ऊपर जो भी स्टैटिक और जो नॉन स्टैटिक जो आपका जो जीएस बनता है वो आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आज का जो करंट अफेयर का सत्र है वो शुरू करते हैं। हाँ, आज की पहली खबर है और वो है हाईकोर्ट को लेकर के। हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर की जो पीठ है उसमें 31 से जीत सी ऐप के जरिए वर्चुअल सुनवाई होगी। तो पहले ही ऐप थी, ये पहले थी किसको ऐप, पहले कौन सी ऐप थी, किसको ऐप थी, और वही ऐप रिप्लेस हो गई है। और अभी जिस ऐप के जरिए ये वर्चुअल सुनवाई होगी वो है आपकी जीत सी ऐप। जीसी ऐप के जरिए वर्चुअल सुनवाई, वर्चुअल सुनवाई जिसमें आप फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती, उसको आप वर्चुअल सुनवाई, एक आभासी सुनवाई कह सकते हैं वर्चुअल। जैसे कि आजकल COVID-19 के केस में जो ऑनलाइन जो सुनवाई होती है वर्चुअल, उसको वर्चुअल हियरिंग कहते हैं। तो जैसे कि ये आपका जो जोधपुर हाईकोर्ट जो है, उसकी जो पीठ है वो जयपुर है। ये राजस्थान हाईकोर्ट की दो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच जोधपुर में है, उसकी एक पीठ है वो आपको जयपुर में, ठीक है। तो जो भी हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं उनको हर स्टेट की जो मेन जो न्यूज़ है, मेन जो पीठ है, उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये आपका राजस्थान हाईकोर्ट है, और राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर क्या है, मुख्य पीठ है, और जयपुर सिर्फ पीठ है। और 31 अगस्त से इसको ऐप की जगह आपकी जीसी ऐप के जरिए वर्चुअल हियरिंग होगी। तो ये एक तो आपको मेन पीठ कहाँ है और उसकी जो ब्रांच कहाँ है, और उसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट, तो राजस्थान हाईकोर्ट आप देख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट, तो राजस्थान हाईकोर्ट की मेन पीठ जोधपुर में और उसकी ब्रांच है वो आपका जयपुर में है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के बाद दूसरा टॉपिक देखिए, रूस ने 1961 में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम है वो टेस्ट कर लिया था और वीडियो अब जारी किया और दुनिया को अब बताया, यानी कि 1961 उस समय हाइड्रोजन बम का उन्होंने एक्सप्लोजन कर लिया, लेकिन इस बात को आज तक इन्होंने हाइड करके रखा, छिपा के रखा, लेकिन अभी इसको हाईलाइट किया है। तो ये जो हिरोशिमा और नागासाकी 1945 की बात है कि यूएस ने यानी अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया था, उससे 3,333 गुना ये हाइड्रोजन बम है वो पावरफुल है, इतना ताकतवर है। तो ये एक रूस ने अब खुलासा किया कि उसने 1960 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और वो दुनिया का अब तक का सबसे ताकतवर विस्फोट था। और इस विस्फोट के बारे में ये बताया कि ये अभी हाल ही में रूस के परमाणु उद्योग की जो 75वीं वर्षगांठ की जो उनका जो वर्षगांठ थी परमाणु उद्योग की एस्टेब्लिशमेंट का ईयर मनाया गया था, तो उसमें रूस की जो परमाणु एजेंसी है वो रोसाटॉम, कौन है रोसाटॉम, जो इनकी परमाणु एजेंसी है, और उस परमाणु एजेंसी ने यूट्यूब चैनल पे 40 मिनट का एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में ये सब कुछ ही आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार इसको सार्वजनिक किया गया, वीडियो को गोपनीय दस्तावेज सूची से हटा लिया गया, और अब अमेरिका में जो आपने हिरोशिमा में देखा था कि वो 4,400 टन के लगभग 4,400 टन का वो आपका यूएस ने हिरोशिमा में जो बम गिराया था, उस बम का सॉरी टन नहीं, ये केजी है, किलोग्राम, ये वजनी था 4,400 किलोग्राम वजनी आपका जो हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया था वो 1945 में गिराया गया था। अभी 8 मीटर लंबा और 2 मीटर मोटा ये बम है, वो 27 टन इसका वजन है, यानी आप वजन के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ 4,400 केजी और कहाँ 24,000 केजी, लगभग 24,000 केजी का ये हाइड्रोजन बम था, और 8 मीटर लंबा है और 2 मीटर की मोटाई है।
1000 किलोमीटर दूर तक इसका धमाके की गूंज सुनाई देगी, 1000 किलोमीटर इसकी रेंज तक, दूर तक इसकी गूंज है वो सुनाई देगी। और इसका नाम रखा गया वो है सार। इसका क्या नाम रखा गया? सार नामक ये बम था, हाइड्रोजन बम, जिसका नाम रखा गया सार। तो सार नामक इस बम को विमान से पैराशूट से आर्कटिक सागर के सेवर्नी द्वीप पर गिराया गया। कहाँ गिराया गया? आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर का सेवर्नी द्वीप, सेवर्नी द्वीप, और उस द्वीप पर यह गिराया गया था, पानी में गिराया गया था। और चंद पलों में यह 65 किलोमीटर ऊंचाई तक और 90 किलोमीटर दायरे में यह फैल गया था, ठीक है ना। तो यह है आपका आर्कटिक सागर के सेवर्नी द्वीप पर इसको गिराया गया था। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का एक विश्लेषण है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको यूजीसी का पूरा नाम पता है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूजीसी का जो हेड ऑफिस है वो आपको पता कहाँ है? दिल्ली में। तो रिसर्च की क्वालिटी को लेकर के एक रिपोर्ट आई है कि रिसर्च की क्वालिटी को लेकर के कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप है और कौन सी बॉटम पे, यानी टोटल 15 यूनिवर्सिटी का एक विश्लेषण है वो यूजीसी की इस रिपोर्ट में किया गया। 15 यूनिवर्सिटीज, 15 यूनिवर्सिटीज है उनको लिस्ट किया गया। और 15 यूनिवर्सिटीज में जो स्पेशली ये राजस्थान का जो 15 यूनिवर्सिटीज है उनका एक विश्लेषण यूजीसी ने जो, हालांकि ये ऑल ओवर इंडिया ने, मैं ऐसी रिपोर्ट हर स्टेट की जो इश्यू हुई है, अभी जो राजस्थान की जो रिपोर्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि यूजीसी ने प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेक्शन का एनालिसिस किया है। कौन से सेक्शन का किया है? रिसर्च सेक्शन का। तो जो पीएचडी थीसिस जांचने और रिसर्च, पीएचडी जो करने वाले स्टूडेंट है उनकी थीसिस की जांच और रिसर्च, उसमें नकल को रोकने के लिए जो यूनिवर्सिटी मान लिया कामयाब हुई है, जो यूनिवर्सिटी कामयाब नहीं हुई है, तो किन का क्या जो क्राइटेरिया रहा है, कितना इफेक्टिव रहा है, उसको लेकर के इन्होंने ये जो आपकी क्वालिटी कहा गया है कि उसकी क्वालिटी, थीसिस और रिसर्च की क्वालिटी, क्वालिटी को लेकर के, नकल की रोकथाम को लेकर के उन्होंने यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की है। उसमें सबसे टॉप पे जो स्थान मिला है वो देखिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, इसका पहला स्थान है। एमडीएस महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर है, और अजमेर राजस्थान का जो यूनिवर्सिटी एमडीएस है उसने टॉप किया है, पहला स्थान है वो एमडीएस का है। उसके बाद बीकानेर का जो महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय 9वें और कोटा यूनिवर्सिटी को 14 स्थान मिला। तो ये वो तीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने स्थान पाया है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज है मैं देखिए वो सारी, एक बिट्स पिलानी विश्वविद्यालय इसका 4वां स्थान है, इसका मतलब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर की सरकारी यूनिवर्सिटी को इस सूची में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए या कामयाबी इनको नहीं मिली। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू, जोधपुर यूनिवर्सिटी जेएनवीयू, राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू, जोधपुर यूनिवर्सिटी जेएनवीयू, और नेक्स्ट आपका एक और यूनिवर्सिटी है और वो है उदयपुर यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप, MLS यूनिवर्सिटी उदयपुर। तो ये जो तीन यूनिवर्सिटी है इनको सूची में, लिस्ट में जगह ही नहीं मिली। तो तीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, MDS अजमेर की है, आपका गंगा सिंह जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर की है, और कोटा यूनिवर्सिटी, तीन सरकारी विश्वविद्यालय जिनको जगह मिली। चौथी आपकी जगह मिली है वो है आपका बेट्स पिलानी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट है, इसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज है वो प्राइवेट। तो ये 15 यूनिवर्सिटीज की यूजीसी ने राजस्थान स्टेट की जो लिस्ट इश्यू किया है उसमें इनका ये प्लेस है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक और है, MDSU अजमेर ने, इसलिए हमारी बाजी देखो, MDSU ने एक सॉफ्टवेयर था उर्कुंड, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उर्कुंड, और इस उर्कुंड जो उपलब्ध करवाया था सभी PhD सुपरवाइजिंग के लिए, और नकल पे इन्होंने बहुत बढ़िया एक कवर किया था, नकल को रोकता में ये कामयाब हासिल करती, इसीलिए MDS यूनिवर्सिटी है वो इसमें टॉप कर गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ जो टेम्पस है, टेम्पस को लेकर के, तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, और जयपुर कैपिटल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो टेम्पस है उसमें आप देख सकते हैं, गोविंद देव जी का मंदिर है, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर है,
श्री गलता जी का हर मंदिर है, ठीक है, और खोले जी की हनुमान जी का मंदिर है। इसके अलावा आपके एक और मंदिर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पूछा जाता है, और वो है आपका आगे होगा टॉपिक, हाँ यहाँ देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं इम्पोर्टेंट कह रही हूँ तो है श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हर साल मेला भरता है, लेकिन इस बार मेला कोविड 19 को लेकर के मेला नहीं भरा जाएगा। इसके अलावा जो लाडली जी का मंदिर है, ये पूछा जाता है लाडली का मंदिर कहाँ है, तो ये मंदिर आपका रामगंज जयपुर में है। लाडली मंदिर है वो रामगंज जयपुर में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष में ये आपका जो एकादशी है, इस एकादशी को जल झूलनी कहते हैं। एकादशी यानी आपका 11th डे होता है आपका भाद्रपद महीने का, 11th डे है उसको आप कह सकते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जल झूलनी एकादशी, और इसी अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में यहाँ मेला भरता है। तो ये आपका कल्चरल जो संस्कृति को लेकर टॉपिक है। नेक्स्ट, जयपुर के ट्रीमेन पे जर्मनी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और कई भाषा और कई देशों में इसको दिखाई जाएगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो शख्स है, जो ट्रीमेन है, ये कौन है, इनका एक तो ये बताएं कि जयपुर के हैं ये विष्णु लांबा, जयपुर के विष्णु लांबा जयपुर के विष्णु लांबा है। तो जयपुर के विष्णु लामा ने किसी और चीज़ की चोरी नहीं की, बल्कि एक पौधे की चोरी की, ये एक आरोप है इनके ऊपर। लेकिन आज उन्होंने लाखों पौधे लगा लिए और लाखों पौधे उन्होंने बचा भी लिए, और इस पे जर्मनी में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और इसी को लेकर के ये सुर्खियों में है। नेक्स्ट है, तो स्वरोजगार ऋण को लेकर के 1 सितंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपके अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड, राज्य के जो SC ST कैटेगरी सफाई कर्मी और जो आपकी OBC नॉन क्रिमिनल है, दे कैन अप्लाई फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन, यानी स्वरोजगार ऋण के लिए 1 सितंबर से वो आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस, उगाई जाती है कई तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां, यानी ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो मॉन्ट्रियल यानी कनाडा के दूसरा सबसे बड़ा शहर है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में बना दुनिया का सबसे बड़ा है रूफटॉप ग्रीन हाउस है। यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती है और 15,000 स्क्वायर मीटर यानी आप कह सकते हैं 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर की ये जगह है, और इसे बनाने वाली कंपनी ने पहला जो ग्रीन हाउस 2011 में इसने और बनाया था, 2011 में ग्रीन हाउस और बनाया था कंपनी, अब तक कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क है, शिकागो है और डेनवर में 8 ग्रीन हाउस बना चुकी है। पेरिस में भी इस तरह का ग्रीन हाउस बनाने की इस प्रकार की योजना है। तो ये जो ग्रीन हाउस बना है वो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, उसके अंदर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की जो उपज है उपजाई जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, पिक्स में आप देख रहे हैं, तो ये एक मॉन्ट्रियल का है, कनाडा में है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कोरोनिल दवा पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोरोनिल दवा हाल में जो हम लोगों ने सुना था कि पतंजलि ग्रुप ने इसका दावा किया कि उन्होंने कोविड 19 के विरुद्ध एक दवा का खोज कर लिया है और उस दवा को लेने से कोरोना है वो नहीं होता है, और उस दवा का नाम है कोरोनिल। और कोरोनिल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस दवा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और पतंजलि बाद में अपने जो वक्तव्य में संशोधन दिया कि ये दवा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में काम आती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो कोरोना आप लोगों को नहीं होगा, ऐसा ही कुछ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की जो पतंजलि आयुर्वेद कंपनी, पतंजलि जो आपको पता है बाबा रामदेव की आपकी आयुर्वेद कंपनी है, और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोरोना ट्रेडमार्क की दवा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और ये अभी हाल ही में आदेश हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड नंबर 1 है जोकोविच, रिकॉर्ड 8वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच जिस अभी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं वो टूर्नामेंट का नाम है वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, ठीक है ना, लॉन टेनिस है, LT शॉर्ट में आज याद रख सकते हैं, लॉन टेनिस यानी कि LT, और कप का नाम क्या है वो याद रखिए। अभी जो ये कप खेल रहे हैं वो वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन कप खेल रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अमेरिका में देखिए लारा तूफान लुइसियाना तक पहुंचा,
6 लाख घरों में बिजली गुल, 4 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। तो ये तूफान का नाम है और वो है लारा, लोरा सॉरी। ठीक है, तो तूफान क्या नाम है? तूफान का नाम है लोरा और घाटी के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, यानी ये लुसियाना जो आपका प्रांत है उसको ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका में लोरा तूफान गुरुवार तड़के लुसियाना तट से टकरा गया और इससे पहले ये श्रेणी 4 के तूफान में बदल गया। और श्रेणी 4 के तूफान क्या होते हैं? श्रेणी 4 के तूफान में बदल गया। तूफान से 3 की मौत हुई, 6 लाख घरों में बिजली चली गई। तो मौसम एजेंसी के मुताबिक इस तूफान के कारण लुसियाना और टेक्सास में हवाएं वो 240 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और आगे इससे भारी बारिश हो सकती है। अरकनसास, ओहायो, टेनिस घाटी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तो ये है आपका टेक्सास के गालवेस्टन, ब्यूमोंट, पोर्ट आर्थर इलाकों के 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा गया। तो ये वो प्रभावित क्षेत्र है जहां लॉरा नामक जो आपका तूफान है वो अफेक्ट डालने वाला है। अब ये आप पिक देख सकते हैं, ये गुजरात की लाइफ लाइन है, वो लबा लब है। तो गुजरात की लाइफ लाइन क्या देख सकते हैं आप? मध्य प्रदेश समेत गुजरात के सरदार सरोवर डैम के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बांध है वो 75% है वो लबालब भर गया, यानी कि अब सिर्फ 25% आपका जो सरदार सरोवर डैम है। आपको पता है सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे है? तो सरदार सरोवर डैम जहां से उस पानी का फायदा न केवल एमपी को होता है, आपका गुजरात के जो किसानों को फायदा मिल रहा है, उससे राजस्थान के जो आपके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जो किसान हैं उनको भी उसी पानी से फायदा मिल रहा है। और वो रिवर है आपकी नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर पे आपका सरदार सरोवर डैम है वो बना। तो इसकी जो आपकी जो जो अभी कैपेसिटी का 75% है वो पानी है इस बांध में आ चुका है, 75% है ये भर चुका है। इससे दुनिया की सबसे लंबी पक्की सिंचाई नहर, जिसको आप कह सकते हैं नर्मदा, यानी इसका दुनिया में नाम है, दुनिया की सबसे लंबी पक्की सिंचाई नहर, ये जो आप नहर देख रहे हैं ये आपका नहर का पिक है और ये दुनिया की सबसे लंबी और पक्की है ये। ठीक है ना, पक्की नहर है ये, कच्ची मिट्टी का बना जो सिंचाई नहर नहीं है। इसमें 17,000 करोड़ लीटर पानी हो गया। तो ये 75% का मतलब हो गया 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ लीटर कह सकते हैं, इतना लीटर इसमें पानी है भर चुका है। इस कैनाल को गुजरात की लाइफ लाइन भी कहा जाता है क्योंकि इससे 10,000 गांवों को पीने का पानी मिलता है। कैनाल में अभी तक इतना पानी है कि अहमदाबाद की साल भर और न्यूयॉर्क शहर की 2 महीने की प्यास है बुझ सकती है। मतलब इस कैनाल में जो आप कैनाल देख रहे हैं, जिसको आप नर्मदा रिवर सरदार सरोवर डैम से जो निकाली गई कैनाल है, इस कैनाल की इतनी क्षमता है कि अहमदाबाद की तो साल भर ये जल सप्लाई कर सकता है, न्यूयॉर्क जैसे शहर की 2 महीने तक प्यास बुझा सकता है। तो नर्मदा नहर द्वारा प्रदेश के कोने कोने पहुंच रहे पानी से 18 लाख हेक्टेयर यानी कुल कृषि योग्य क्षेत्र की 15% जमीन की सिंचाई होती है। मतलब 15% लैंड है वो इससे इरिगेट होती है, 15% जो जमीन है नर्मदा नहर जो आपके प्रदेश के कोने कोने में पहुंचने वाले पानी से 18 लाख हेक्टेयर यानी कुल कृषि योग्य जो क्षेत्र है उसका 15% जमीन है इससे सिंचाई होती है। तो ये जो आंकड़े आप देख सकते हैं, 458 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा मुख्य नहर की, नर्मदा मुख्य नहर की टोटल जो आपकी लेंथ है वो 458 है। ठीक है, और 25 डैम और 750 लबल जो आपके तालाब है भर गए नर्मदा नहर से। नर्मदा नहर से जो 25 डैम भर गए और 750 तालाब भर गए, 22,000 करोड़ लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है इस जो आप डैम में, 10,000 गांवों को पीने का पानी मिल सकता है इससे और 18 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इससे हो सकती है। तो ये सरदार सरोवर नर्मदा निगम की तरफ से जो आंकड़े हैं उपलब्ध करवाए गए। तो ये जो आप सरदार सरोवर डैम, ठीक है ना, तो सरदार सरोवर डैम है वो किस नदी पे है? वो आपका नर्मदा नदी पे है। और सरदार सरोवर डैम जिससे जिसकी जो अभी जो हाल ही में ये न्यूज है कि 75% के लगभग है ये भर चुका है, और यहाँ इससे जो आपकी नहर निकलती है वो आपकी जो नर्मदा कैनाल है गुजरात की लाइफ लाइन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नागौर की डॉक्टर बेटी ने कपड़े पर किया तेजाजी की वीरता का चित्रण। आधुनिक जीवन शैली की चकाचौंध में युवा पीढ़ी आपको पता है कि लोक संस्कृति इतिहास को भूल चुकी है, लेकिन इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। और कपड़े पे इन्होंने ये जो आपके कपड़े पे ये चित्रकारी दिख रही है तो इन्होंने वीरता का चित्रण किया गया है। यहां देखिए पहली बार T20 में, T20 जो आपका जो क्रिकेट प्रतियोगिता है उसमें ब्रावो ने, ब्रावो आपको पता है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, WI वेस्ट इंडियन
क्रिकेटर ब्रावो, जिन्होंने पहली बार आप देख सकते हैं कि 500 के लगभग विकेट का जो उपलब्धि अचीवमेंट है वो हासिल किया है। और ब्रावो एंड ही इज बिलोंग टू, वो किस क्रिकेट, किस देश की क्रिकेट जो टीम के खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है ब्रावो। और ब्रावो आपने, आपको पता है ड्वेन ब्रावो पूरा नाम इनका है, ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए। हाँ, आज का जो आपका क्वेश्चन आपके लिए है, जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और कल इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, और हर रोज आपको जो हमारे करंट अफेयर्स के इस सत्र के एंड में आपको एक क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा पूरा 24 घंटे आपको मिलेंगे। कल फिर इसी समय आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो रोज ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते रहिए। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सेना ने तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊ बकर कीता और प्रधानमंत्री बुबू सीसे को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रिसेंटली इन विच कंट्री द मिलिट्री अरेस्टेड प्रेसिडेंट इब्राहिम बाऊ बकर कीता एंड प्राइम मिनिस्टर बुबू सीसे आफ्टर अ कूप आफ्टर विच द प्रेसिडेंट हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। नाइजर, माली, सेनेगल और नाइजीरिया। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और ये आपका इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो आज का सत्र या जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है, वो इस सेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि हमने, जैसे कि कल का हमारा जो है वो 27th ऑफ अगस्त का जो सेशन है वो हम लोगों ने कल आपके समक्ष है वो प्रेजेंट नहीं कर पाए थे टेक्निकली। हाँ, तो कल का जो सत्र है वो रह गया था, यूँ समझिए कल का सत्र हम लोग आपके समक्ष नहीं प्रेजेंट कर पाए क्योंकि टेक्निकली जो है वो इश्यू था और उस इश्यू को रिजोल्व करने में टाइम लगा। दैट्स वाई कि हमने उसको विदहेल्ड किया और उसको आज और विद इन 10 to 15 मिनट्स जो भी है इसको फटाफट थोड़ा करना पड़ेगा, तो आज उसको आप देख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ है वो वार्ली पेंटिंग को लेकर के, जैसे कि आप पिक देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पिक है और इस पेंटिंग का नाम है वार्ली पेंटिंग। ठीक है ना, तो जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स जो नेशनल लेवल के जितने भी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, एसएससी के, रेलवेज के, इंश्योरेंस के या बैंकिंग के एग्जाम्स की जो तैयारी करने वालों के लिए, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनते हैं। वार्ली पेंटिंग आपको होता है भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक उपक्रम है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, जिसको नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL कह सकते हैं, NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL। ठीक है, इसने नोएडा में अपने कॉरपोरेट कार्यालय कहा है, इसका नॉर्मल है नोएडा है, वहां की बाहरी दीवारों पे महाराष्ट्र की जो प्रसिद्ध वारली पेंटिंग है वो उसका प्रदर्शन किया है। अपने जो कॉरपोरेट जो ऑफिस है वहीं इसका प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये पेंटिंग कहाँ की आपको ये पहचाननी है, तो वारली पेंटिंग आपकी कहाँ की है, महाराष्ट्र, यानी मैं लिख देता हूँ MH। ये जो पेंटिंग आप पिक में देख रहे हैं तो ये बहुत ही शानदार पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की है और इसको हाल ही में NFL के जो नोएडा के जो कॉरपोरेट ऑफिस है उसकी दीवारों पे इसको चित्रित किया गया, एंड दैट्स वाई कि ये आपका सुर्खियों में है। अगला टॉपिक देखिए, फास्टैग को लेकर के हैं। फास्टैग आप सभी को पता है, जब आप लोग टोल नाके पे जाते हैं तो आपको पता है कि फास्टैग, ये टोल जो हमारा वसूला जाता है, पहले फास्टैग एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन आज ये फास्टैग के जरिए हमारा जो पेमेंट है हो जाता है और काफ़ी उसमें डिस्काउंट या कुछ पैसा भी कम लगता है। फिर वापस आजकल नई स्कीम आ गई कि रिटर्न में भी उनको कुछ कम है या जो फ्री के लगभग तक कर दिया। तो ये फास्टैग है क्या, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको आप RFID कह सकते हैं, RFID। आईडी आपका आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन RF क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF, R फॉर रेडियो, F फॉर फ्रीक्वेंसी, ID फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है, एक कार्ड होता है। ठीक है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसे वाहन की विंड स्क्रीन पे लगाया जाता है, यानी वाहन का जो विंड स्क्रीन है उस पे इसको लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो आपका ड्राइवर बैठा है उसकी जो खाली साइड वाली है उसके ऊपर जो सामने वाला ग्लास है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि वहां ये लगाया जाता है।
वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है इसके रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग है वो जारी किया जाता है। प्रत्येक टोल प्लाजा पे एक RFID रीडर लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में काम करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता और धनराशि की वो जांच करता है। मतलब RFID एक रीडर लगा होता है जो हर टोल प्लाजा पे क्या है RFID रीडर लगा होता है और उसमें सेंसर होता है। वो सेंसर क्या करता है कि जो व्हीकल्स के ऊपर जो आपका कार्ड लगा है उस कार्ड को वो सेंस करता है या उसको वो ऑब्जर्व करता है और उसके अंदर ये देखता है कि उसमें धनराशि क्या है और अभी जो उनको कितना पैसा है या कटना चाहिए उनका वो पैसा है वो उसमें से निकाल सकता है। तो इसकी वैधता भी देखता है और धनराशि की जाँच भी करता है। यदि कार्ड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान है वो ऑटोमेटिकली उस कार्ड से हो जाता है और वाहन टोल पर बिना रुके वहां से गुजर सकते हैं। तो ये है आपका फास्टैग। जो फास्टैग को देख आप सकते हैं। फास्टैग के बाद दूसरा देखिए, एक बोंडा जनजाति एक ट्राइब है बोंडा। तो बोंडा जनजाति के बारे में अगर कहीं भी देखिए, हिस्ट्री के अलावा हम जो देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से भी हमारे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये एक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। और बोंडा नामक आपकी ट्राइब यानी कि जनजाति, तो हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरी जिले की पहाड़ी इलाकों में निवास करने वाले बोंडा जनजाति है उसके लोग हैं, उनमें काफी लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसकी वजह से ये सुर्खियों में रहे। तो ये कौन सी जनजाति आपकी है? बोंडा, बोंडा ट्राइब, बोंडा जनजाति। बोंडा आप देख सकते हैं कि जो मुंडा नृजाति समूह है उससे रिलेटेड एक जनजाति एक ट्राइब है जो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, जो तीन स्टेट आप देख सकते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उन तीनों राज्यों के आपस में मिलने वाली जो सीमाओं पे इनका निवास है, इनका बसेरा वहीं है और ये लोग वहीं रहते हैं। इसके आसपास दक्षिण पश्चिम ओडिशा के मलकानगिरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हें भारत के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह जिसको आप कह सकते हैं PVTG, PVTG मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ट्राइबल ग्रुप है ये, PVTG के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया गया है और भारत में इनकी संख्या लगभग 7,000 है। कितनी टोटल संख्या है इस बोंडा जनजाति की भारत में? टोटल संख्या है वो 7,000 है और इसको जो आपका आप इसको कह सकते हैं पर्टिकुलरली वल्नेबर, क्या है पर्टिकुलरली वल्नेबर आपका ट्राइबल ग्रुप है PVTG, PVTG कह सकते हैं, पर्टिकुलरली वल्नेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है ना? तो आप ये पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, माई आई एफ फॉर व्हाट? इंडियन एयरफोर्स। जैसे कि एयरफोर्स नौकरी करने वाले या नौकरी लगने वाले इसको जरूर देखें, तो आई एफ क्या है? आई एफ इंडियन एयरफोर्स का एब्रीविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है आई ए एफ, इंडियन एयरफोर्स। तो माई आई ए एफ एक ऐप है, यह ऐप बनाई गई है और ऐप को बनाया है सी डैक ने। किसने बनाया? सी डैक। सी डैक आप कह सकते हैं ये आपकी एक कंपनी है जो उन्नत गणना विकास केंद्र कह सकते हैं, हाँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो एडवांस कंप्यूटिंग की जो डेवलपमेंट है उसका एक केंद्र है, उसका ये पूरा नाम है सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसी ने एक आपकी एक आईटी फर्म है, आईटी ने जो सेक्शन है इसने बनाया इसको, इस ऐप को। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वायुसेना चीफ, ठीक है। एयरफोर्स जो आपकी इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है और उनको आप कह सकते हैं, हाँ, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार जो भदौरिया, ठीक है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने जो डिजिटल इंडिया की पहल की है और इसी के तहत नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन है और वहां पे माई आई एफ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, इस ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऐप की लॉन्चिंग होगी और सी डैक ने इसको विकसित किया है। यह ऐप वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक जो युवाओं हैं उनके करियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध करेगा। यानी ऐप पे क्या है, ऐप पे अगर आप कह रहे हैं कि माई आई ए एफ ऐप जो आपका इंडियन जो आर्मी से रिलेटेड, सॉरी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है ये, तो चलो ये चलो आपने मान लिया। और इसका लॉन्चिंग है वो एयर चीफ मार्शल है वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने किया, ये भी ठीक है। लेकिन ये किससे रिलेटेड है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवा है उनको करियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध ये कराता है। ये वायुसेना में चयन प्रक्रिया है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, अधिकारियों और सैनिकों के वेतन भत्ते हैं, तो सारी जानकारी उपलब्ध करवाता है। एक ही स्टेज पे आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर पे ये उपलब्ध है। इसे वायुसेना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गेम से भी जोड़ा गया है। इस ऐप पर वायुसेना के इतिहास, उसकी शौर्य गाथाओं के बारे में जानकारी भी आपको मिलेगी। अगला टॉपिक देखिए,
हाँ, एयरफोर्स का फाउंडेशन जो इस फाउंड किया गया है वो 1932 यानी टोटल आज 87 ईयर्स पहले एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में है, और इसका जो मोटो है वो है नभ स्पृशम दीप्तम, संस्कृत भाषा में लिया गया है इसका। और कलर्स इंडियन एयरफोर्स का जो कलर है नेवी ब्लू स्काई ब्लू एंड वाइट, यहाँ देख सकते हैं इस लोगो में देखिए आपका नेवी ब्लू है, स्काई ब्लू है और आपका वाइट कलर। एयरफोर्स डे है वो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता है 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? उसी के आसपास आपका 8 अक्टूबर, मतलब जो आपका गांधी दिवस कह सकते हैं, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, तो 2 अक्टूबर लाइक उसी के आसपास आपका 8 अक्टूबर है वो इंडियन का इंडियन एयरफोर्स डे है। और कमांडर्स इसके चीफ देखिए अभी जो कमांडर्स इन चीफ यानी कि इसका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो आपका भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, वो होते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी कि CAS, चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, ये आपका CAS हो गया। उसके बाद VCS जिसको आप वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा है, और इसके अलावा दूसरे कमांडर्स हैं वो आपको देख रहे हैं कि मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह है, एयर चीफ मार्शल आपका प्रताप चंद्र लाल है और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी है। अगला देखिए आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओडिशा गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया, एक स्कीम लॉन्च किया है फॉर प्रमोटिंग इंटेंसिव एक्वा कल्चर थ्रू बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनहेंसिंग वाटर क्वालिटी इन एक्वा कल्चर थ्रू बैलेंसिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिस्टम के अंदर क्या है? ओडिशा सरकार ने बायोफॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से गहन मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, और यह संतुलन के माध्यम से एक्वा कल्चर में पानी की गुणवत्ता बढ़ाने की एक तकनीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम में कौन से एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, जो एक्वा में कौन से एलिमेंट्स हैं इस सिस्टम में, इस प्रकार तो ये टेक्नोलॉजी आपकी है BFT, BFT टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? BFT जिसको आप कह सकते हैं बायो फ्लॉक टेक्नोलॉजी, B4 बायो, F4 फ्लॉक एंड T4 टेक्नोलॉजी, बायो फ्लॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आप फटाफट अपने हिसाब से आप कमेंट करिए ताकि मैं भी अपना आंसर आपको बाद में बता दूं, और 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चंस पढ़ के आप कमेंट कीजिए क्या आना चाहिए इसमें। हाँ जी, आंसर कमेंट करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, परिचित त्यागी, बिल्कुल परिचित त्यागी, ठीक है, बिल्कुल आपने जवाब दे दिया है जो एक अननोन क्वेश्चन हमने आपके समक्ष रखा था। जो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इसका आंसर कीजिए फटाफट। हाँ जितेंद्र कुशवाहा, वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ, तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फॉस्फोरस, चौथा है बोथ ए एंड बी, और पांचवा है बोथ ए एंड सी, यानी वो एलिमेंट्स जो इस प्रकार के एक्वा कल्चर में, देखो एक्वा कल्चर आप कह सकते ये मत्स्य पालन करने की एक स्कीम है, और COVID-19 में लेकर के जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है तो उसमें रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है मत्स्य पालन को लेकर के, और उस स्कीम को नाम दिया है BFT, यानी जो आपकी इंटेंसिव एक्वा कल्चर जो स्कीम है वो इस टेक्निक के जरिए ये स्कीम है वो लॉन्च की गई है, तो उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल होगा। तो इसमें मैन जो आपके जैसे कि कार्बन का केमिकल नेम C है, नाइट्रोजन का आपको पता है N है, और फास्फोरस का सिंबल P है, तो इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार के एक्वा कल्चर के अंदर जो आपके इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रकार का जो पानी होगा और उस पानी के अंदर मछलियों का उत्पादन किया जाएगा, तो उसमें कौन कौन से तत्व है वो हो सकते हैं, क्या वो कार्बन है, क्या वो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, या कौन से एलिमेंट्स है। ऑप्शन जैसे दो आपको पूछा है कि ए और बी और बोथ ए एंड सी, क्या सिंगल है? अगर सिंगल है तो ABC में देखिए, और डबल है तो डी और ई ऑप्शन में देखिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए। हाँ, राहुल हुडा जी का आंसर आया है,
Rahul Huda is also telling A and C. कमेंट करिए अपना फटाफट आंसर. हाँ हेमंत कुमार आंसर डी बता रहे हैं, आलोक राहुल ई, देवेंद्र पाल सिंह डी, निखिल गैडानी डी. ठीक है, तो जिन्होंने भी डी आंसर बताया उनका आंसर सही है. ये जो आपके दो एलिमेंट है कार्बन और नाइट्रोजन, जो इनके लिए ज़रूरी जो है वो आपके सी एंड एन हो गए. ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन है वो डी राइट है. अगला प्रश्न देखिए, ये जो टेक्निक है इसका आप पिक देख सकते हैं. इस टेक्निक के अंदर क्या है कि लगभग आप मान सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो, ये जो आपके टैंक है वाटर टैंक बनाए गए हैं, वाटर टैंक जिसकी हाइट 4 से 4.5 फीट की इसकी हाइट होती है, और इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़े हैं. यूँ समझिए 15-16 फीट के लगभग इनका डाया है. ये जो आपकी डायामीटर का आप समझ सकते ना, ये वाली लेंथ है ये आपकी 16 फीट के लगभग है, और इसकी जो हाइट है यह हाइट आपकी लगभग 4 से 4.5 फीट की हाइट है. तो ऐसे टैंक है इसमें बनाए जाते हैं, और उस टैंक में वाटर और वाटर के अलावा जो मिनरल्स वगैरह डाल के और इस प्रकार मत्स्य उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाता है. और टेक्निक जो है वो BFT है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी. ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी के जरिए ये मत्स्य उत्पादन का उत्पादन किया जाएगा मछलियों का. अब ये जो टेक्निक ईजाद की है यानी BFT टेक्नोलॉजी है वो योराम अर अवनी मेलेक, ये कौन है, इजरायली प्रोफेसर है योरान अवनी मेलेक. ठीक है, और वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, मतलब बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी किसने इसका खोज किया है वो आपका है योराम अवनी मेलेक. ठीक है ना, तो इस टेक्निक को जो खोज निकाला है और वो है इजरायली प्रोफेसर है जिनका नाम योराम अवनी मेलेक है. ही इज द ऑथर अमॉन्ग अदर्स, ये एक बुक है, इन्होंने इसी नाम से एक बुक भी पब्लिश की है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल गाइड बुक है, विच वॉज ट्रांसलेटेड इन टू वियतनामीज, वो उसको वियतनामी भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया है, एंड मेड अवेलेबल टू द वर्कशॉप्स पार्टिसिपेंट बाय द इजरायली एम्बेसी इन वियतनाम. सो ऑल बायोफ्लॉक सिस्टम्स आर यूज टू ग्रो फिश. अब इस फिश में कई अलग अलग टाइप की फिश है, जैसे कि तिलापिया फिश है. ठीक है ना, तिलापिया नाम से जो एक मछली है उसका सबसे ज़्यादा इसमें उत्पादन होगा. द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी. अब इसमें क्या है, ओडिशा के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से 40% की सब्सिडी, जो भी मान लिया उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो 40% है वो लोन की जो राशि में सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ऐसे जो यूथ को जो इस बिजनेस को करेंगे. वाइज 60% जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है टू SC ST यानी कि जनरल को 40% है, और 60% जो सब्सिडी है वो SC और ST को प्रोवाइड की जाएगी. तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ओडिशा गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इस प्रकार के जो कोई भी स्टार्टअप लेके आएंगे, तो उनको 40% फॉर जनरल एंड 60% फॉर SC ST. तो ये देख सकते हैं बायोफ्लॉक आधारित मछली पालन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीमित क्षेत्र में मछली पालन संभव है. मतलब क्या है कि आज से पहले जो मत्स्य पालन के लिए जो पौंड है या तालाब है काफ़ी बड़े क्षेत्र में पानी का स्टोरेज किया जाता है, उसके बाद वहाँ मत्स्य का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये जो टेक्निक है वो कम क्षेत्र में अधिकतम मत्स्य उत्पादन किया जाएगा. तो कम क्षेत्र में अधिकतम मत्स्य उत्पादन के लिए एक तकनीक ईजाद की गई है, और अधिक जमीन की इसमें जरूरत नहीं होती है. इसमें आप देख सकते हैं कि जो मछलियों की जो किस्म है उसमें एक तो तिलपिया हो गया, मांगूर हो गया, और इसके अलावा अन्य जो प्रजाति है, तो मैन इसमें जैसे कि तिलपिया मांगूर हो गया. ठीक है, तिलपिया या मैन तो आपकी ये जो यहीं दिख रहा है तिलपिया है. ठीक है, तो तिलपिया और मांगूर नामक जो प्रमुख मछलियों की जो प्रजाति है जो काफ़ी सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती है, मार्केट में इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, इनका जो प्रोडक्शन है वो इस तकनीक के जरिए ओडिशा में होगा. अगला क्वेश्चन देखिए. हाँ, नेक्स्ट है विमानवाहक पोत जो 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो गया था, अगले महीने मुंबई से मुंबई के अलंग शहर में स्थित जहाज यार्ड में गुजरात के अलंग शहर में स्थित जहाज यार्ड में फंसे जहाज में बदल दिया. मतलब इसको ये कह रहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो जहाज है वो आपको उसका नाम बताना है कि कौन सा वो जहाज है जिसको मुंबई से
अलंग शहर में शिफ्ट किया जा रहा है उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। अलंग आपको पता है कि अलंग गुजरात का वो शहर है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज ब्रेकिंग का एक सबसे बड़ा यार्ड है, वहाँ वर्कशॉप सबसे बड़ा तो यार्ड है। ये मुंबई से ये आपका विमानवाहक पोत है, तो वो विमानवाहक पोत कौन सा है जिसको हाल ही में उधर शिफ्ट किया गया है अलंग में, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो विमानवाहक पोत आपको बताना जो 3 साल पहले रिटायर हो गया था, 3 ईयर्स जो आपका पहले आपका क्या रिटायर हो चुका था, और अगले महीने ये मुंबई से गुजरात के अलंग में शिफ्ट हो रहा है, जहाज जो तोड़ने वाले यार्ड में, ठीक है ना, उस यार्ड में शिफ्ट हो रहा है। तो उसको उसका नाम बताइए, आप देख सकते हैं INS विशाल, INS विक्रांत, INS विराट और INS जलस्वा। अब इसमें से आपका जो ऑप्शन सही है वो बताइए कि 3 साल पहले जो जहाज रिटायर हो चुका है उसको अगले महीने मुंबई से गुजरात के अलंग शहर में शिफ्ट किया जाएगा। अलंग वो शहर है जहां जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, विश्व का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। तो आपके ऑप्शन में बताइए क्या राइट होना चाहिए, फटाफट बताइए। हाँ, धर्मवीर सिंह का आंसर आ चुका है, धर्मवीर सिंह जी ने आंसर दे दिया है और धर्मवीर सिंह का आंसर भी मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। हाँ जी, तो जिन्होंने अपना आंसर सी लिखा है, INS विराट जो हाल ही में 3 महीने पहले रिटायर हुआ था, और इसको ब्रेक करने के लिए अगले महीने मुंबई से शिफ्ट किया जाएगा गुजरात के अलंग नामक शहर में। तो ये आप अलंग को आप पिक्टोरियली देख सकते हैं, ये अलंग का पिक है। अलंग इज ए सेंसस टाउन, भावनगर जिले में है स्थित। अलंग आपका गुजरात के भावनगर, अलंग गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, ठीक है। तो गुजरात के भावनगर जिले में एक सेंसस टाउन है, और इन द पास्ट 3 डेकेड्स इस बीचेस हैव बिकम अ मेजर वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर शिप ब्रेकिंग, मतलब जहाज को तोड़ने का सबसे बड़ा वर्कशॉप अगर कहीं भी है वर्ल्ड के अंदर तो वो है आपका अलंग, और अलंग गुजरात यानी भावनगर के अंदर, और इसको आप पिक में आप देख सकते हैं। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट हिट्स आउट एट सेंटर ऑन लॉन मोरेट टोरियम स्कीम, जो आप देख सकते हैं COVID-19 के दौरान जिन इंड्यूजर्स ने, जिन फर्म्स ने, जिन कंपनीज ने जो लोन ले रखा है उनको एक मॉरेटोरियम पीरियड दिया था, और उसकी डेट रखी गई थी 31 अगस्त। डेट क्या रखी थी? 31 अगस्त। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को आगे लिया है कि जो आरबीआई या आरबीआई के तहत जो बैंकें काम कर रही है वो इसी पीरियड में ब्याज पे ब्याज ले रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को आगे लिया और आरबीआई को हिट किया कि ऐसा क्यों, ठीक है। और यही आर्टिकल ही बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एम्पल पावर्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर। बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के उसके पास सारी पावर्स है, सारी शक्तियां है, ठीक है। एंड यू शुड क्लेरिफाई टू इश्यूज वेदर इंटरेस्ट कैन बी चार्ज एंड वेदर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैन बी लेविड, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वो लेवी किया जा सकता है। सो द इश्यू वॉज क्रिएटेड बाई योर लॉकडाउन, नाउ यू कांट लुक इन टू बिजनेस अलोन बट प्लाइट ऑफ पीपल शुड ऑल्सो भी लुक इन टू, मतलब सिर्फ आप बिजनेस को माइंड नहीं कर सकते, लोगों की स्थिति भी आपको देखना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आगे लिया है। तो ये आर्टिकल यही बता रहा है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज टू सेट अप जज बेंच ऑन कोटा कैप, द कोर्ट वॉज हियरिंग बंच ऑफ पेटिशंस चैलेंजिंग मराठा रिजर्वेशन लॉ। तो मराठा का जो रिजर्वेशन है उसकी एक पेटिशन दायर की गई है, और उस रिजर्वेशन को लेकर के मराठाओं के, महाराष्ट्र में मराठों के रिजर्वेशन को लेकर के जो एक याचिका दायर की गई है, उस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है कि वो 11 जज का एक बेंच है वो सेटअप करेगा, और फिर देखेगा कि वो 50% से अबो रिजर्वेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये बेंच का निर्णय रहेगा। तो ये आर्टिकल आपका
जो 11 जजेस जज का बेंच है वो सेट किया जाएगा कोटा कैप के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा। अगला देखिए, राज्यों की बेरुखी से धीमी पड़ी किसानों की उपज को शेयर करने की तरह खरीदने बेचने वाली योजना है। तो ये एक्सचेंज से देश में कहीं भी बेच सकते हैं आप, ENWR, ENWR एक्सचेंज से देश में कहीं भी बेच सकते हैं, ENWR। तो 2.35 लाख जो आपका ENWR जारी किए जा चुके अब तक, मतलब लगभग इतने लाख, 2.35 लाख जो आपका है वो ENWR जारी किए जा चुके हैं, और 17.3 लाख टन फसलों को बदला जा चुका है डीमेट में, यानी इतने फसलों को डीमेट में बदल दिया गया है, और 815 सबसे अधिक वेयर हाउस तमिलनाडु में इस योजना में जुड़े। तो सबसे ज्यादा वेयर हाउस जो बने हैं इस स्कीम में जो वेयर हाउस बने हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ बने, तमिलनाडु में बने। तो किसानों की उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 3 साल पहले एक स्कीम शुरू की गई थी, और उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट स्कीम, यानी ENWR। ये जो स्कीम है वो आज से 3 साल पहले शुरू की गई, और 3 साल पहले का मतलब है 2017 में शुरू की गई। ठीक है, कब शुरू की गई है, 2017। तो 2017 में ये आपकी स्कीम है वो लॉन्च हुई थी, और राज्यों के ठंडे रिस्पॉन्स से रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। देश के 64,000 वेयर हाउस में से 1,801 ही अब तक इसमें शामिल हुए हैं, यानी 70%, 1,267 सिर्फ तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। 70% जो आपके वेयर हाउसेज है वो सिर्फ दो स्टेट में है, और वो है आपका तमिलनाडु और MP। मतलब जो स्कीम फरवरी 2017 में लॉन्च की गई है वेयर हाउसेज एस्टेब्लिश करने के लिए, और किसानों के लिए कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए, उनकी जो प्रोड्यूस है, उनकी जो प्रोडक्ट्स है, उसका बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए 2017 में जो आपकी ENWR स्कीम शुरू की गई है। कंप्लीट पूरा नाम है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एन फॉर नेगोशिएबल, W फॉर वेयर हाउसिंग, और वेयर हाउसिंग रिसीट स्कीम है, R फॉर रिसीट स्कीम। तो इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया वो याद रखते, फरवरी 2017। कब लॉन्च किया गया इसको, फरवरी 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो 3 साल पहले शुरू हुआ था। ENWR ऑनलाइन बेच सकते हैं रिसीट, यानी आप रिसीट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसके तहत वेयर हाउसों की ओर से जमा उपज की रिसीट को डिजिटल बना दिया गया, मतलब वेयर हाउसेज में जो आपने प्रोडक्ट अपना दिया है उसकी रिसीट मिली, उस रिसीट को आप डिजिटलाइज कर सकते हैं, और डिजिटलाइज किया बना दिया था। इस डिजिटल रिसीट को ENWR कहते हैं, मतलब ये जो डिजिटल रिसीट है इस रिसीट को नाम दिया गया है ENWR। मतलब वेयर हाउस में आपने अपना प्रोड्यूस दिया, आपको जो रिसीट मिली उसका इलेक्ट्रॉनिकली जो आपका डिजिटलाइजेशन हो गया, और वो डिजिटलाइजेशन ही आपका ENWR कहलाता है। तो इस डिजिटल रिसीट को जो आपके ENWR कहा जाता है, इसमें वेयर हाउस में रखी उपज का पूरा ब्यौरा, इसमें होता क्या है, ये कैसी रिसीट होती है, रिसीट में उस आपने जो प्रोड्यूस दिया उसका पूरा ब्यौरा होता है कि उसका किस्म क्या है, उसका वजन क्या है, क्वालिटी क्या है, और पॉसिबल उसकी रेट क्या है। तो कंप्लीट ब्यौरा उस रिसीट के अंदर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। इस रिसीट को किसान किसी व्यापारी को सीधे या फिर NCDEX जैसे किसी कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से भी वो बेच सकता है। ये भी एक अच्छी उपलब्धि है, यानी अगर कोई व्यापारी किसान से ENWR खरीद लेता है तो वो जाकर वेयर हाउस से वो वस्तु इसका मतलब ले सकता है, यानी कोई भी व्यापारी किसान से ENWR डायरेक्ट परचेज कर लेगा और वेयर हाउस में जाकर के वो अपना प्रोड्यूस वहां से प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो किसान ENWR को गिरवी रख बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ये भी सुविधा दे रखी है कि किसान ENWR को गिरवी रख सकता है बैंक में और उस पर लोन यानी ऋण भी प्राप्त कर सकता है। तो हालांकि आप देख सकते हैं इस योजना को किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम माना जाता है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है किसानों की आय, उनकी आमदनी, उनकी इनकम बढ़ाने का। तो हालांकि सिर्फ दो राज्य आप देख सकते हैं, इस राज्य में सबसे ज्यादा अगर फायदा उठाया इस स्कीम का तो सिर्फ 2 स्टेट्स है, एक तमिलनाडु जो साउथ इंडियन स्टेट है, और एक आपका मिडल इंडियन स्टेट है आपका मध्य प्रदेश यानी MP। तो सिर्फ दो ही ऐसे स्टेट है जिनका इस स्कीम का फायदा उठाया, तमिलनाडु पिछले 3 साल में 815 और मध्य प्रदेश है अपने 315 वेयर हाउसिंग को इस योजना से जोड़ चुका है, यानी कि तमिलनाडु टॉप पे है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे। तो 815 और 315 वेयर हाउसेज आपके तमिलनाडु और MP में बन चुके हैं, और बाकी किसी राज्य में 100 वेयर हाउस भी इस योजना से नहीं जुड़े हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अब तक मात्र
45 वेयर हाउस ही जुड़े हैं, यानी 45 ही है, यानी 100 का आंकड़ा भी इन्होंने क्रॉस नहीं किया है। तो रजिस्ट्रेशन में तेजी लानी चाहिए, जैसे कि नेता लोग अपने, जो अधिकारी लोग अपने बयान में कह रहे हैं। ENWR के फायदे भी आपको बता दिया कि उपज गोदाम में जमा कराकर आप ENWR लेने के बाद वो डीमेट में बदल जाती है, और इसे NCDX आपको पता है क्या है? ये कमोडिटी एक्सचेंज है आपका, NCDEX, NCDEX कह सकते हैं, NCDEX, जैसे एक्सचेंज के जरिए देश के किसी भी कोने में आप उस रिसीट को या उस ENWR को बेच सकते हैं, यानी आप अपना प्रोड्यूस है वो कहीं भी सेल कर सकते हैं वर्ल्ड, अपने इंडिया के किसी भी कोने में। ENWR को बैंक में गिरवी रख सकते हैं, बिल्कुल फायदा है। अगर उपज की कीमत गिरी है तो लोन लेकर खर्च चला लें, और जब कीमत बढ़ जाए तब आप अपना जो प्रोड्यूस है वो बेच लीजिए, तब तक आप लोन लेके भी चला सकते हैं, ये भी एक व्यवस्था है इसमें। ENWR जारी करने वाले वेयर हाउस से मांग के अनुसार जितना जरूरत हो सामान निकाला जा सकता है, जबकि सामान्य वेयर हाउस में पूरा सामान एक बार में ही निकाला जा सकता है। यानी इस व्यवस्था में वेयर हाउस में आपने अगर जो अपना प्रोड्यूस जमा करा उसमें से जब आपकी नीड है तो उसमें कुछ वापस भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। अब देखिए 2011 के बाद मेनारिया को फिर मिलेगा अवार्ड, जूनियर में हितेश पटेल और सब जूनियर में साहिल भास्कर को चुना गया था। दो बार ये अवार्ड पाने वाले पंकज सिंह के बाद दूसरे खिलाड़ी अशोक मेनारिया। तो कोरोना महामारी के दौरान क्रिकेट पूरी तरह से आपको पता है बंद, इसके बावजूद राजस्थान के क्रिकेटर को मिलने वाला जो मथुरा दास माथुर अवार्ड, क्या नाम है अवार्ड का नाम है? मथुरा दास माथुर अवार्ड, MDM अवार्ड कह सकते हैं, मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है आपको पता है कि राजस्थान का क्रिकेटर्स को ही अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, राजस्थान के जो क्रिकेटर्स है उन्हीं के लिए अवार्ड है MDM अवार्ड, मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो पिछले 27 साल से लगातार ये अवार्ड राजस्थान के बेस्ट खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। इसकी बारे में जानकारी बताते हैं कि ये राजस्थान के बेस्ट क्रिकेटर को अवार्ड दिया जाता है, यही कह रहा है, राजस्थान के बेस्ट खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। इस बार सीनियर कैटेगरी में अशोक मैनारी को अवार्ड मिलेगा। मैनारिया का 2011 में सीनियर कैटेगरी में अवार्ड, इससे पहले मैनारिया ने यह अवार्ड कब लिया था? 2011 में, और अभी ये 2020 में उसको मिल रहा है, यानी कि दूसरी बार। तो इससे पहले ऐसा दो बार पुरस्कार लेने वाला खिलाड़ी है वह है पंकज सिंह। ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया? पंकज सिंह ने प्राप्त किया। पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी में कप्तानी करने के बाद 7 साल मैनारिया 600 ज्यादा रन भी बनाए थे, तो पंकज सिंह के बाद ये दूसरा खिलाड़ी बन चुके। फिर सरप्राइज पैकेज जो है वो हितेश पटेल को मिला, और साहिल भास्कर है उनको उभरता सितारे का खिताब मिला है। तो ये वो प्लेयर्स हैं इस सीजन सबसे ज़्यादा चौंका है हितेश पटेल के प्रदर्शन ने अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में। तो सीनियर है आपका, सीनियर लेवल में अशोक मैनारी का नाम है, जूनियर में हितेश पटेल का है, और सब जूनियर आपका साहिल भास्कर। तो ये तीन वो क्रिकेटर है जिनको MDM अवार्ड से नवाजा गया, तीनों अलग अलग कैटेगरी है। अगला टॉपिक देखिए, प्रदेश को मिला 828 करोड़ की मेडिकल परियोजना का तोहफा, यानी भीलवाड़ा भरतपुर में मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशल ब्लॉक्स का लोकार्पण होगा। सिलिकोसिस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने कार्य योजना, कोटा और उदयपुर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशल ब्लॉक में 10 नवीन पद सृजित हुए। तो यहाँ दो नए मेडिकल कॉलेज है वो लॉन्च, जो आपको हरी झंडी मिली वो है भीलवाड़ा और भरतपुर में मेडिकल कॉलेज की। तो 8-8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा भरतपुर मेडिकल जो कॉलेज भवन और बीकानेर उदयपुर एवं कोटा के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का लोकार्पण किया गया। तो ये जो नए मेडिकल कॉलेज हैं वो आपके भीलवाड़ा और भरतपुर के अंदर बने, और इसके अलावा जो पहले से मेडिकल कॉलेज लगे थे उनमें क्या हुआ, उनमें सिर्फ सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक्स का लोकार्पण किया गया। तो ये आपका, हाँ, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज आपको पता कौन बने? जेम्स एंडरसन। हाल ही में जो सुर्खियों में आपको पता है, इन्होंने 600 विकेट हासिल किए थे, और 600 विकेट हासिल करने वाले जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय जो करियर में आप देखते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, ठीक है ना, कहाँ के ये खिलाड़ी है? जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, और इनको अंतर्राष्ट्रीय करियर में 600 विकेट पूरे कर लिए, ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले तेज गेंदबाज है। इससे पहले आप देख सकते हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने, ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न ने, और भारत के अनिल कुंबले ने बतौर स्पिन गेंदबाज ये कारनामा कर दिखाया। यानी कि जो तीन नाम है आप देख सकते हैं, अनिल कुंबले फ्रॉम इंडिया, शेन वार्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका से कौन है? मुथैया मुरलीधरन।
ठीक है, मुरली धरन फ्रॉम श्रीलंका यानी SL, ये वो खिलाड़ी जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली, और हाल ही में जिन्होंने उपलब्धि हासिल की वो खिलाड़ी है इंग्लैंड का तेज फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन लेके आइए आप जसूर के, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो थर्ड है उसके लिए एक MOU साइन हुआ है, और वो हुआ AII बी नामक बैंक ने, और वो 500 आपका मिलियन डॉलर, आप कह सकते हैं 500 मिलियन डॉलर की जो ऋण राशि है वो प्राप्त हुई इस समझौते। कौन सा अफ्रीकी देश है पोलियो मुक्त घोषित? अब एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको पोलियो फ्री कंट्री का दर्जा मिला है, पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ है, वो कौन सा देश है? पोलियो मुक्त देश अफ्रीकी कंट्री है, और वो आपका कौन सा है? नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया वो देश है जो पोलियो, हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो किसने किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। WHO ने हाल ही में एक अफ्रीकन कंट्री को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है, और वो देश आपका नाइजीरिया है, अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा AN-32 को ढूंढ निकाला, तका को राष्ट्रीय अवार्ड, यानी अरुणाचल के पर्वतारोही तका तमूत, उनको 29 अगस्त को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाएगा। तका उस 15 सदस्यीय टीम में थे जिसने जून 2019 में 18 दिन के अभियान में हादसे के शिकार AN-32 के 13 वायु सैनिकों के शव ढूंढे थे। वे 2018 में माउंट एवरेस्ट फतेह भी कर चुके हैं, यानी तका जिनका नाम देखे तका तमूत है, और कहां के? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, पर्वतारोही है, और इन्होंने 2018 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तका तमूत ने अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही है, और इनको हाल ही में 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाएगा, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर कैटेगरी वाला अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 है ये इनको दिया जाएगा। तो ये वो आपका पर्वतारोही जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें शामिल थे जिसने जून 2019 में 18 दिन के अभियान में हादसे के शिकार जो AN-32 के 13 वायु सैनिकों के शव निकाले थे। AN-32 क्या है? ये वायु सेना का एक विमान है, ये हादसे का शिकार हो गया था, और यहाँ पे 13 वायु सैनिकों के शव है वो इन ढूंढने में तका तमूत ने मदद की थी, इसलिए इनका नाम सुर्खियों में है। अगला देखिए, दीक्षांत समारोह समारोह है, और प्रदेश का पहला वर्चुअल कॉन्वोकेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में आयोजित होने वाला है। प्रदेश का पहला वर्चुअल कॉन्वोकेशन है वो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंदर होगा, और ये विश्वविद्यालय का 17वां कॉन्वोकेशन है। ठीक है, 906 को डिग्री मिलेगी और 5 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलेंगे, और 20,000 छात्रों को मिल चुकी ऐसी डिग्री सो फार। फिर लोन मॉरेटोरियम का मैंने अभी बताया था, सरकार के रुख पे कोर्ट एकदम सख्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट सरकार RBI की आड़ न ले, ब्याज वसूलने पर रुख साफ करे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने अभी इंग्लिश के आर्टिकल में यही बताया था। तो हाँ, तो ये जैसे कि 27 अगस्त को हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, और 27 अगस्त का जो क्वेश्चन आपका जा वो क्वेश्चन क्या, देखिए राजस्थानी भाषा में पालर पानी है का मतलब क्या है। ठीक है, राजस्थानी लैंग्वेज या मारवाड़ी भाषा में आप पालर पानी किसे कहते हैं? व्हाट इज पालर पानी? मारवाड़ी भाषा में पालर पानी किसे कहा जाता है? हाँ जी, तो ये पालर पानी का मतलब होता है वसंत पानी, दुग्ध पानी, नदी जल या वर्षा जल। तो जो वर्षा का जल होता है उसी को कहा जाता है पालर पानी, वर्षा जल। तो जिन्होंने ऑप्शन डी राइट किया है उनका आंसर सही है, डी इज द राइट वन। हाँ, तो ये आज का सत्र यहाँ खत्म करते हैं, कल फिर मॉर्निंग को आपको करंट का सेशन देखने को मिलेगा बिटवीन 7 to 8, 7 और 8 बजे के बीच हमारी जो IQ की जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो लाइव रहेगी, और IQ की इस लाइव क्लास में आप, हाँ जी, IQ की इस लाइव क्लास में आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के अंदर आपको हमने बता दिया कि जो हाँ, तो करंट अफेयर्स की जो लाइव क्लास है वो 7 और 8 के बीच रहेगी, और इसमें हम
हर सेक्शन को टच करते हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमी का हो, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का हो, करंट का पास्ट के परिप्रेक्ष्य में स्टैटिक को लेकर के और वर्तमान के जीके को मिक्स करके आपके समक्ष एक एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आप रोजाना बने रहिए और हमारे जो IQ का जो चैनल है इसके साथ आप बने रहिए। हर वो स्टेट, हिंदी भाषी स्टेट जो हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए सत्र खत्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत।